कहते हैं कि जी हया आपकी नजर में और होती है और यह होती है ऑब्वियसली यस yes, हया नजर में भी होती है नजर में होती है और होनी चाहिए कुरान भी हमें यही दिल, दिल में भी होनी, होनी हो. चाहिए बट यू नो यू कैन नॉट जनरलाइज वन परसन वन गुड परसन कैरेक्टरिस्टिक एक hmm. बंदा बहुत हयादार है से टू द होल सोसाइटी जो लॉज बनाए जाते हैं सोसाइटी में वो एक जनरल थ्रेश होल्ड स्टेटिस्टिकली देख के रखा जाता है कि यार लोग कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं तो इसलिए ये एक दरमियान में एक लेवल है यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे इससे ऊपर नहीं जा सकते जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह की बात करने का हक हमें है ही नहीं वो तो इस्लाम ही हमें बताएगा ना कि हया नजर में होती है या जी, जी, दिल में होती है दाढ़ी मुंह पे होती जी, जी, है या पेट, पेट अच्छी होती है ये आपने भाई। <laughs> लेकिन ये तो वो लोग समझते हैं जिनको हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह दीन की समझ आ रही होती है नहीं, मैं, जो हमारे कुछ भाई कंफ्यूज हो जाते हैं या लिबरल साइड पे ज्यादा ज्यादा हो चुके हैं उनका भी भला चाहते हैं तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा था यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देर आर रीजन बिहाइंड वट इस्लाम प्रस्क्राइब होती है आपके यहाँ और यहाँ लेकिन आप ये देखें हर बंदा एक जैसा नहीं होता माशरे में कुछ ऐसे लोग होंगे तभी तो रेप होता है नहीं। तभी नहीं। तो और मसाइल होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस लेवल की हया नहीं एग्जिबिट कर सकते और वो क्या करेंगे वो 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 काम करते रहेंगे फिर उनमें वो ख्वाहिहश जन्म लेंगी और इवेंचुअली वो मैनीफेस्ट होंगी थ्रू एक्शंस उनके दिमाग कहीं और वो आपने भी जब एक मिसाल दी थी कि एक बंदा अपनी खिड़की से देखता होता था एक एक डिसेबल्ड खातून को ब्लाइंड खातून डिसेबल्ड हाँ पे आम आमतौर पे कोई बंदा अट्रैक्ट नहीं होता एंड व्हाट वाज़ गोइंग थ्रू हिज माइंड ही लेटर कि मैं रेपिंग हरना इस्लाम ने, तो, ने ना असल में एक पूरा मौशरे, मौशरे की तश्कील दी है मैं समझता हूँ उस माशरे में ना किसी एक बंदे ने काम नहीं करना एग्जैक्टली exactly, यही जेंडर रोल्स हैं जेंडर रोल्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मर्दों को भी अपने तौर पर काम करना है और औरतों को भी अपने तौर पर काम करना है हया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमें यह समझने की ज़रूरत है कि देखें आपके कुछ काम होते हैं ना अभी जैसे ये फेस्टिवल था इस पर जो मेन आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो खाना खाना है लोग खाना खाने आ रहे हैं ठीक है ये आपका एक काम है जिसकी बिना जिसके लिए आप शायद बहुत सारी चीज़ों को कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एक काम है अल्लाह ताला की इबादत करना ठीक है रसूल के ज़माने में जब तवाफ़ करती थी उमहतलमिन ठीक है तो उसमें आयशा रदी से यह चीज़ हमें मिलती है कि वो जहाँ पर मर्द तवाफ़ कर रहते थे उनसे दूर तवाफ़ करती थी ठीक है तो एक सहाबी साहबियात में से किसी ने उनसे पूछा कि लेट्स गो टू टच द ब्लैक स्टोन

आप अपनी हया को कम्प्रोमाइज नहीं करें क्योंकि हाँ, हया इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ जो है ना वो एक खाने का फेस्टिवल है बिल्कुल ये जो आप पहले भी बात की ना कि असल में जब ये चीज़ हया का कॉन्सेप्ट और ये सारा कॉन्सेप्ट जो दिल में उतर आता है ना तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट हो जाता है आपके एक्शन में जो ये लोग कहते हैं ना आंखों में है दिल में बोलो भाई आप जो बात करें तो वो मुझे लगता है वो जब दे डोंट इवन अंडरस्टैंड द ऑफ हया ना वो इसलिए कह रहे हैं हर बंदे का अपना अपना कॉन्सेप्ट है मेरे नजर में मेरे आंखों की हया है कि मैंने कोई बहुत किस्म की फौज किस्म की चीज़ नहीं देखनी हाँ